बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो अनकवर्ड ओवरऑल रहा है, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, और वो भी स्पेशली डिग्री वाइज जिन लोगों ने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, हर एक का मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, तो हम कोशिश करेंगे हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से कि आप लोगों को गाइड करें कि जो एक स्पेसिफिक ग्रुप रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जिन्होंने MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, MCOM, ACCA या ICM है, तो ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को फोकस करना चाहिए, कम्बिनेशन कैसा उनका होना चाहिए। तो हर एक कंफ्यूज होता है, BBA वाला, MBA वाला, व्हाट्सएवर। तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि इस सेशन में तो हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज वालों को सजेस्ट करेंगे कि ये ग्रुप आप है, इसको स्किप करें और इस ग्रुप में से फलां सब्जेक्ट को आप चूज़ करें। अगर कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं तो दूसरे को आप फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन। इसके बाद इंशाल्लाह जो है, आप लोग जिनको प्रॉब्लम है अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे, लेट्स सपोज कि कोई कहता है कि जी जो BA वाले हैं उनके बारे में बताएं, या जिन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है या फिर पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो उनके लिए सजेस्ट करें। तो जिनके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि, और उनका ओवरऑल कम्बिनेशन में बताएँगे कि ग्रुप कौन से ग्रुप में से कौन से सब्जेक्ट उनको चूज़ करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो हमारा एक सेगमेंट है ये पसंद आएगा। तो आप हमारी इस एफर्ट को लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करें। तो ग्रुप वन में से कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज वाले जो हैं, उनको लाजमी तौर पर अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग 200 नंबर का सब्जेक्ट है लेना चाहिए। शर्त ये है कि अगर किसी ने BCOM या बैचलर डिग्री में कोई भी थी, तो उसमें बड़े आपकी CGPA या डिवीज़न जो है, सेकंड डिवीज़न से बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीज़न है, और अगर CGPA है तो 2.5 के अराउंड है, और आप ये समझते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट में ग्रिप नहीं बन सकती, तो फिर आप इसको ना चूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास सब्जेक्ट में कुछ ग्रिप है, तो आपको लाजमी तौर पर इन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप इजीली थोड़ी सी मेहनत करें, अगर पहले आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो इनको आप बेहतर बना सकते हैं। सिलेबस इनका इतना मुश्किल नहीं होता। उसके बाद ग्रुप वन में से ही अगर आपका वीक एरिया है, क्योंकि आपने ग्रुप वन में से 200 मार्क्स का ले सकते हैं, अगर अकाउंटिंग और एडिटिंग ले लिया तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपका वो एरिया अकाउंटिंग और एडिटिंग वाला वीक है, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये फ़ायदा है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं, उनमें से आपको कई सारे मामलात जो है, पॉलिटिकल साइंस का ये फ़ायदा है कि कई सारी बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली करंट अफेयर या पाक अफेयर के सब्जेक्ट को कवर करते हुए आप नहीं समझ पाते, आपकी बुनियाद नहीं बनती, तो ये सब्जेक्ट लेने से आपकी बुनियाद भी बन जाएगी, और कंपलसरी के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्मल जो डे टू डे चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं हम, उन्हीं के अराउंड होता है, सिवाय कुछ जो क्लासिकल जो पार्ट है, जो ये इसकी एवोल्यूशन थी पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें जो पुराने जो रेफरेंसेस हैं, फ़िलासफ़र हैं, उनके हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न पे होता है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें तो हम समझ रहे होते हैं, और लेकिन उनको थोड़ा सा याद करने में आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, इन दोनों में से अगर आप नहीं लेते, तो इकोनॉमिक्स पहले मुश्किल होता था CSS में, तो अब जो सिलेबस चल रहा है वो इतना इकोनॉमिक्स का सिलेबस मुश्किल नहीं है। तो जिसने BCOM में पार्ट वन की इकोनॉमिक्स पढ़ी है और BCOM पार्ट टू में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसके अलावा MBA वगैरह में पढ़ी है, तो उनके लिए ये इकोनॉमिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। तो जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स वगैरह किया है, तो वो तो लाजमी तौर पर इकोनॉमिक्स को लें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को। तो बाकी दो जो मैंने MBA वगैरह के लिए सजेस्ट किए हैं, इन दोनों में से लाजमी तौर पर उनको चूज़ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं,
क्योंकि जितना आप अच्छा रेफरेंसेस देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया होगा ये उनके लिए एज है, तो ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि पेपर मार्क करने वाला बेंच मार्क उसको करे जिसने मास्टर किया हो, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी होगी, तो वो हो सकता है कि आपके मार्क्स इसमें कम आए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा तरजीह कम दें। ग्रुप टू में कोई नहीं आपने चूज़ करना, देख सकते हैं आप अपने ग्रुप में। ग्रुप थ्री जो है उसमें आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 100 मार्क्स का है। और पिछले सेशन में अगर आपने देखा हो, अगर आपने जो ग्रुप वन में अकाउंटिंग और फाइनेंस आपने ले लिया, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ले लिया है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिर ले लें, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ अटैच हो रहा है, तो आपका अकाउंटिंग और ऑडिट के साथ एक कम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। आपका माइंड जब इस फील्ड की तरफ फोकस्ड होगा तो आप पेपर में अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कोई दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन बिज़नेस वालों को थोड़ा सा इस पर एज है। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज 100 मार्क्स का है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेते, आप सॉरी उधर ग्रुप वन में से आप ले रहे थे पॉलिटिकल साइंस, तो इधर फिर आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज वाला सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड और स्ट्रेंथ उसमें बन चुकी होगी, तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने लिया था पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज और साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि 100-100 नंबर के हैं, तो 200 नंबर आप ग्रुप थ्री से इस तरीके से ले सकते हैं। ग्रुप फोर, इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और आपको हिस्ट्री को और स्पेशली पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट है उसको समझने में आपको काफ़ी सारी मदद मिलती है। और जब आप बहस कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो एज ए रेफरेंस आपको स्ट्रॉन्ग जो है प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, कि आप पेपर में अच्छे रेफरेंसेस और हिस्टोरिकल जो है फैक्ट्स एंड फिगर वो आर्गू कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इस लिहाज से बेहतर है कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो, साथ में ये हिस्ट्री वगैरह हो, तो ये भी मिक्स चलता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी नहीं ले रहे, तो इन दोनों सब्जेक्ट में से ये एक फ़ायदा है कि इस्लामिक हिस्ट्री लेंगे तो इसमें आपकी इस्लामिक स्टडी जो है वो कवर होगी, और साथ में जो इस्लामिक रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, कई सारे तारीख के हवालात देने पड़ते हैं करंट सिनेरियोज पे, करंट इश्यूज पे, ज़्यादातर क्योंकि CSS के अब एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर के लिहाज से रेफरेंसेस देने में हेल्प होती है, और इसमें आपको पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में आपको रेफरेंसेस देने में मदद मिलती है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में। तो ग्रुप फाइव है, ग्रुप फाइव में कोई नहीं लेना। ग्रुप सिक्स जो है इसमें बिजनेस वाले स्टूडेंट, जिनकी अगर ग्रुप कमांड है उसमें अपने सब्जेक्ट में, तो मर्केंटाइल अच्छा सब्जेक्ट है, मार्क्स देने वाला है, और आपने वो चीज़ें मैक्सिमम पढ़ी हुई हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें ला के नहीं पढ़ी हुई, तो इसमें आप ये देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने किया था BCom किया था, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर उस वक्त आपको अच्छा समझ आता था तो आप मर्केंटाइल लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। और ये ग्रुप नंबर जो सिक्स है, इसमें एक ही सब्जेक्ट मैंने सजेस्ट किया है, बाकी आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है कि किसका इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है जिनको मैं मेंशन नहीं कर रहा, किसी की ग्रिप उसमें हो, तो वो अपनी इंटरेस्ट की बेस पे उस पे भी जा सकता है, लेकिन मैं कॉमन तौर पे सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि नैरो डाउन कर लें जो लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ होते हैं उनके लिए हेल्प। तो बाकी सारी की सारी मेरी जो राय है ये कोई फाइनल नहीं है, आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए अगर आप समझते हैं कि नहीं मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा छोड़ दिया जिसको आप फोकस अच्छा कर सकते हैं, जिसको आप स्ट्रांगली तैयार कर सकते हैं थोड़े वक्त में, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। सोशियोलॉजी एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिन्होंने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जुआलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़े होते हैं, तो उनको सोशल साइंसेस बोरियत वाले लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, समझ नहीं आती, लिंकेज करना मसला होता है। तो सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ओवरऑल मुआशरे की जो फंक्शनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। अगर आप सोशियोलॉजी को नहीं भी लेते तो भी आपको ओवरऑल सोशियोलॉजी के अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसकी बेसिक्स पढ़नी चाहिए, और आपको एक दफ़ा थारोली पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके
पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी के जो इश्यूज हैं या लेटेस्ट इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और उनका सोल्यूशन फाइंड करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जो करंट इश्यूज पे जो भी टॉपिक होता है उसमें सोशियोलॉजी आपकी भरपूर साथ देती है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी एवरग्रीन है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग को निखारता है, तो मैं तो इसको सजेस्ट करूँगा। समटाइम ये अच्छे मार्क्स नहीं भी देते थे लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपने अच्छा तैयार किया होगा, अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट करेंगे, अच्छे आर्गूमेंट्स देंगे, अच्छे रेफरेंसेस देंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट है आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो सोशियोलॉजी के साथ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आपका मीडिया के साथ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इश्यूज में आपको इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में आप बातचीत करते हैं, लोगों से बहस मुबासा करते हैं, तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छा है सोशियोलॉजी के साथ कम्बिनेशन। और ये इतना मुश्किल भी नहीं, अगर आपको बिल्कुल ऐसे बंद दरवाजे में चले जाते हैं कोई और आपको सब्जेक्ट नहीं मिलते, तो ये दो सब्जेक्ट तो हर एक के लिए फिट आते हैं। इसके बाद होता है पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची। तो ये डिपेंड करता है कि अगर किसी की अपनी ज़ुबान लिखने में महारत है, तो पंजाबी की अगर बात करूँ तो अगर कोई पंजाब में रहने वाला उसने कभी पंजाबी नहीं लिखी तो उसको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो पंजाबी की बुक का एक ये है कि 5-6 दफ़ा आप उसको ज़रा रीड करें तो आसान होना शुरू हो जाती है, लेकिन राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में जा सकते हैं। तो ये थे हमारे सजेशन। इसके अलावा हमारा CSS के जो ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी क्लासेस मुहैया कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसमें से आप हमें पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आया कि हम वो आपको सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में अगर सब्जेक्ट पे ग्रिप करनी है तो आपको अगर कोई टू दी पॉइंट सारे सिलेबस को पढ़ा दे तो CSS में इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। एक दफ़ा सिलेबस को आपने A to Z थारोली समझ लिया, सुन लिया, तो आपका तकरीबन जो है ऑप्शनल का मसला हल हो जाता है। लेकिन जब हमने ये सारी चीज़ें की थी तो उस वक्त हमारे लिए तो इतने लेटेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। अब तो हर जगह पे आपको ये चीज़ें, गाइडलाइन और सारी चीज़ें मुहैया हैं, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। सेल्फ रिलायंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको बना बनाया खीर हलवा मिल जाए तो आपको ज़रूर खा लेना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कुछ हेल्प मिली है या नहीं, और भी हम इससे बेहतर के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपका जो कमेंट्स हैं उन वो हमारे लिए बेस होंगे हमारे अपने फ्यूचर में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर लाने के लिए, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।